तक डाउट्स सॉल्व किए थे। अब सर कल का लेक्चर अपलोड हुआ? नहीं 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 हुआ। सर अपलोड कर दो ना। श्योर श्योर, अभी आदत लगा लो कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद ही अपलोड होगा, इसलिए लाइव क्लास अटेंड करने का ट्राई करो। नहीं सर, कल मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ हाँ, आज भी वही चल रहा है, जियो का बहुत ही स्लो चल रहा है। ठीक है, समृद्धि आप सारे लेक्चर प्रेजेंट थी क्या? नो सर, कल का लेक्चर नहीं थी सर मैं। और यू शुड लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, मैं भेज देता हूँ, आज पूरे चैप्टर का ही भेज देता हूँ। वंस अगेन रिवाइज एवरीथिंग। ओके, नाउ वी वांट टू। सर ये चैप्टर हार्ड जा रहा है क्यों? सर ये चैप्टर हार्ड जा रहा है क्योंकि बीच में वो आपने मींस सब्जेक्टिव टेस्ट आई थी, सब्जेक्टिव टेस्ट के बाद फिर से आपका शादी था सर, और बीच में इतना बड़ा गैप पड़ गया, और पिछले मींस करेक्ट करेक्ट, वीक बिफोर वीक सर आपने वो लिया था, एनसीईआरटी का लिया था सर, एनसीईआरटी से महाराष्ट्र बोर्ड का लिया। यस यस, ठीक है। अभी इसमें कैसे है ना, वर्कशीट में ऐसे चुन चुन के टफ क्वेश्चन ही डाले गए, इसलिए आपको लग रहा होगा हार्ड है, बट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली क्वेश्चन का टाइप अगर आप देखेंगे तो वहां से आपको समझ में आता है। सी, यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली, दिस इज क्वाड्रेटिक, होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का पहला आइडेंटिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों टर्म में ए ए ए दिख रहा है, तो ए का कुछ तो पावर कॉमन आएगा ऑप्शन देख के। ये कौन सा फॉर्मेट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वो वाला फॉर्मेट, या फिर चार नंबर का होल स्क्वायर वाला ऑप्शन देख के हमें समझ में आ रहा है। तो ये कैसा है ना, इन दिस चैप्टर यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन देख के आपको हिंट मिल जाता है कि इन ऑप्शन, चाहे तो कभी कभी ऐसा भी करके देख सकते हैं, सीधा ऑप्शन का प्रोडक्ट लेके देखो इतना आंसर आता है क्या, दैट इज ऑल्सो अनदर वे टू सॉल्व। कॉमन लेना अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छा। सो सेम थिंग ऑलमोस्ट इन ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू डू लाइक दिस। और सर लेकिन टेंथ अगर हमने ऑप्शन में से देख कर ये कर लिया, मल्टीप्लाई कर ये कर लिया, तो सर हमें टेंथ में बहुत हार्ड जाएगा सर, क्योंकि हमने अभी ऑप्शन है हमें अभी, और टेंथ में तो ऑप्शन नहीं होते सर। नहीं नहीं तो फिर इसीलिए मेथड भी बता रहा हूँ ना, मैं मेथड भी बता रहा हूँ ना। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें मेथड नहीं बताया, बोलो। एक भी नहीं है सर, एक भी, सब इसमें मेथड बताया, क्योंकि हर एक इसमें आइडेंटिटी यूज हो रहा है। ठीक है, अभी यहां से आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से शुरू हो गए फ्रॉम दिस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। 19 ए क्यूब प्लस इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो ये हमारा डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए के जगह ए ही रहेगा, बी के जगह यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 8 मतलब 2 क्यूब है बस। तो ए प्लस 2 इन वन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी के जगह 2 डालना है, तो माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4, लाइक दिस। यू जस्ट हैव टू कंपेयर विद द आइडेंटिटी, इसलिए आइडेंटिटी याद रखना है। उसके बाद ये फिर से वही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी, बस यहाँ ए के जगह 2a आएगा, क्योंकि ये 2a का ब्रैकेट क्यूब आएगा। सो कंपेरिजन आपको सीखना है यहाँ पे, 2a ब्रैकेट क्यूब माइनस 3b ब्रैकेट क्यूब
मैं अभी ये फॉर्मूला कैपिटल में लिख रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ कैपिटल ए के जगह 2a आएगा, कैपिटल बी के जगह 3b आएगा, बस 2a माइनस 3b इन वन ब्रैकेट, कैपिटल ए का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2a इंटू 3b 6ab प्लस कैपिटल बी स्क्वायर मीन्स 3b स्क्वायर 9b स्क्वायर लाइक दिस। तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है। सेम थिंग 21 ऑल्सो, इसको आप ऐसा लिखो x रेस टू 6 को हम लिख सकते हैं x क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर पहले, ठीक है। अभी x क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऐसे लिखने से क्या होगा, हियर वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी अनदर ब्रैकेट। तो एक ब्रैकेट में आएगा एक्स क्यूब माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है। और अभी एक्स क्यूब माइनस वन एक्स क्यूब प्लस वन यहाँ दो आइडेंटिटीज यूज करने पड़ेंगे। एक्स क्यूब माइनस वन मतलब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी आएगा, और एक्स क्यूब प्लस वन मतलब एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी यूज होगा। सो दैट वे यू विल गेट द आंसर। तो वो मैं बताता हूँ। सो आई थिंक मतलब जितने भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आइडेंटिटी के ऊपर अवेलेबल है वो आपको उसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, खाली आपको आइडेंटिटी के फॉर्मेट में उस क्वेश्चन को पहले लाना है और कंपेयर करके एग्जैक्टली ए बी सी के जगह कौन से वैल्यूज डालने हैं वो आपको चेक करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ एक ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस वन, एक ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब माइनस वन का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन का फॉर्मूला इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ये आएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ऑप्शन टू इज करेक्ट। सर आपको भी जियो का प्रॉब्लम आ गया लगता है। आज बहुत ही स्लो है, मैं तो जियो नहीं यूज कर रहा हूँ, आज एयरटेल यूज कर रहा हूँ। सर आज गोविंद सर को भी प्रॉब्लम था। हाँ आज जियो का बहुत ही स्लो चल रहा है, आई एम यूजिंग एयरटेल लेकिन उसमें भी दिक्कत जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं इसीलिए बता रहा था कि दे आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज ओनली। ये भी ऐसे ही है, ये पूरा ए कंसीडर करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सो इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लाइक दैट। दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यस्टरडे, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें याद रखना है, जो हमारा आइडेंटिटी है वो था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू, देखो आइडेंटिटी याद नहीं रखेंगे तो कुछ फायदा है नहीं, ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट जाने ही वाला है, यू हैव टू रिमेम्बर। सो दिस इज द आंसर, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे कि यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब क्या हो गया है हियर व्हाट हैज हैपेंड इज, ये ऐसे आएगा वो ए क्यूब प्लस माइनस बी ब्रैकेट क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी को लिखते वक्त माइनस थ्री इंटू ए इंटू माइनस बी इंटू सी ऐसे आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस साइन आएगा इसलिए उन्होंने उसको प्लस बना दिया है, ये वाला प्लस साइन। फिर इसका आंसर निकालते वक्त बस आपको एक चेंज करना पड़ेगा, small change, that is just replace here at place of b negative b, क्योंकि ये b वाला term negative है इसलिए, बाकी का तो as it is रखना है, ठीक है ना।
बस हमें ये जो फॉर्मूला है राइट हैंड साइड में, बी के जगह निगेटिव बी डालना है, तो यहाँ आएगा ए माइनस बी प्लस सी, ए स्क्वायर निगेटिव बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा प्लस सी स्क्वायर। यहाँ निगेटिव बी डालने से पॉजिटिव ए बी आएगा, यहाँ पॉजिटिव बी सी आएगा और माइनस सी ए। बस ये चेक करो अभी, ए माइनस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, ऑप्शन टू। ठीक है, तो कंपेयर करना है, व्हेन यू कंपेयर विद द ओरिजिनल आइडेंटिटी देन यू विल आइडेंटिफाई देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सपोज टू बी रिप्लेस्ड एट प्लेस ऑफ ए बी सी। श्रेयस अभी दिखा दे रहा है क्या? क्लियर मीन सर, वो आपको सिक्योरिटी में होता है ना सर, इनक्रिप्शन इनेबल्ड, उसमें दिखा रहा है सर, एक्सेप्शन में। हाँ क्या अभी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? जो मैंने लिखा स्क्रीन पे वो दिख नहीं रहा क्या? वो दिख रहा है सर, पूरा क्लियर है सर, दिख रहा है सर, नो प्रॉब्लम सर। बट वो बोल रहा है सर, वो ग्रीन आइकॉन सर आज ब्लू दिखाई दे रहा है सर, वो जूम के ऊपर आता है वो। अच्छा अच्छा ठीक है, वो आज थोड़ा अनस्टेबल है, बहुत ही अनस्टेबल है आज नेटवर्क। वैसे ही अभी यहाँ पे ये तो क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया है 24th, ये आपने डाउट ही पूछा था। Yesterday we discussed from 24 onwards. तो यहाँ पे रिप्लेस करते वक्त हमने ए के जगह ए ही डाला, बी के जगह माइनस टू बी, सी के जगह माइनस थ्री सी डाला। बस वो डाल के हमें आंसर निकालना है ऐसे क्वेश्चन। सो बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज क्वेश्चन दे आर नॉट सो डिफिकल्ट। इस टाइप के क्वेश्चन जो थे 28 जो क्वेश्चन है, और उसके बाद और एक देखा था हमने, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल पूरे डिस्कस किए और आपको आरडी शर्मा से भी सॉल्व करने को बोला था। ये बचे हुए तीनों हम डिस्कस कर लेते हैं। सी हमें इसका वैल्यू पूछा गया, ऊपर है सम और यहाँ पे है ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट क्यूब प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट क्यूब। ये आपको अच्छे से सोचना है। सी यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड properly that यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट क्यूब है, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, तीन नंबर का क्यूब है, और हमारे पास सबसे आखिरी का जो आइडेंटिटी है, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन 30th, द लास्ट आइडेंटिटी वी हैड डिस्कस्ड इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। इसका आंसर में आपको पता है कि दो ब्रैकेट आते हैं, एक ए प्लस बी प्लस सी और दूसरा ये लंबा वाला ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें ये चीज याद रखना है कि अगर एक जीरो कब होता है। आपको मैंने दो केसेस ऑलरेडी बताए हैं कि इसमें से कोई तो एक ब्रैकेट जीरो होगा, कोई तो एक ब्रैकेट जीरो होगा, मतलब पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, और दूसरा ब्रैकेट जीरो होने के लिए आपको पता है कि तीनों इक्वल होने चाहिए ए बी सी। तो यहाँ पे मैं ये फर्स्ट वाला कंडीशन यूज कर रहा हूँ, तो ये जीरो आ जाएगा अगर फर्स्ट ब्रैकेट जीरो हमने लिया तो। और यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि तीनों के क्यूब का सम जो है इट इज थ्री टाइम्स ए बी सी, थ्री ए बी सी को राइट में शिफ्ट करने के बाद। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो मिलेगा, और जीरो कब मिलता है? इन दो केसेस में, या तो इन तीनों एबीसी का सम जीरो रहना चाहिए, या तो ये तीनों एबीसी इक्वल रहने चाहिए। नाउ रादर देन टेकिंग एबीसी, नाउ ऑब्जर्व दिस एज होल ए, ए क्यूब प्लस ये पूरा बी माइनस सी बी क्यूब प्लस ये पूरा सी माइनस ए सी क्यूब, इन तीनों का सम लेके देखो अभी। ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पे है ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट क्यूब प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट क्यूब। नाउ बिफोर आई लैंड अप आई कैन डायरेक्टली से दैट दिस विल बी इक्वल टू थ्री टाइम्स ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए।
जैसे मैंने यहाँ पे 3 times ABC लिखा वैसे ही, लेकिन क्यों? क्योंकि ये जो तीनों है ब्रैकेट के अंदर, इन तीनों का सम जीरो आता है। इन तीनों का सम देखो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखो a माइनस ए, b माइनस बी, c माइनस सी कैंसल एंड द सम इज जीरो। एंड व्हेन एवर सम जीरो मीन्स द फर्स्ट ब्रैकेट विल बी जीरो, दैट मीन्स राइट हैंड साइड विल बी जीरो। सो वी कैन से दैट क्यूब का जो सम है वो 3 times तीनों का प्रोडक्ट आएगा, यहाँ तीनों का प्रोडक्ट है। तो ये आ गया न्यूमरेटर। और अभी इसका डिनोमिनेटर तो हमें दिया हुआ है, डिनोमिनेटर इज ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो इसका डिनोमिनेटर ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो ये पूरा कैंसल होगा तीनों ब्रैकेट और आंसर रहेगा 3। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। सर हाँ सर, क्वेश्चन पूछूंगा सर, हमारा ज्योमेट्री कब स्टार्ट होगा सर? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आपको मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, इवन इफ इट इज गोइंग वेरी स्लो, कंसेप्ट वाइज देखो। See, यहाँ से लेके परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, ये जो 6 chapters है ना, ये 6 chapters, दीज आर ऑल वेरी वेरी सिंपल, और एक एक ही वर्कशीट है उसमें, और फटाफट हो जाएंगे वो, मतलब 6 lectures में 6 chapters हो जाते हैं एक्चुअली स्पीकिंग। सो एक अगला वीक हमारा लग जाएगा इसमें सर, और मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा सर। स्लो का कुछ नहीं सर, बट सर अल्जेब्रा, अल्जेब्रा सर, अल्जेब्रा ही फिट हो गया सर, ज्योमेट्री होना सर। होगा होगा, डोंट वरी, ज्योमेट्री शुरू करने के बाद तो आप ज्योमेट्री पसंद करने लगेंगे, बहुत डीप में ले लेता हूँ मैं, डोंट वरी। वैसे 8 standard का शुरू हो गया, और 8 को ही मैं आपका 9th का पढ़ा दे रहा हूँ जो भी वर्कशीट में है। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन 30th। ऑब्जर्वेशन करना है ऐसे, जो 10th आइडेंटिटी है उसका यूज करने के लिए। लॉजिक क्या बताया, कि तीनों का सम जीरो आना चाहिए। नेक्स्ट 31st, यहाँ पे एक्चुअली दो दो टर्म में से आप कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर देखो यहाँ ये ऑप्शन हिंट दे रहे हैं मुझे, दिस बी स्क्वेयर, 2BC और सी स्क्वेयर, ये और यहाँ पे ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर और 2AB, ये 3 terms, इनका हम होल स्क्वेयर डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो देखो अभी जो न्यूमरेटर है हमारा, आइडेंटिटी क्या है, एक ही आइडेंटिटी हमें यूज करना है, ए स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वेयर, दिस वन आइडेंटिटी ओनली। यहाँ ए स्क्वेयर माइनस साइन कॉमन निकाला तो बी स्क्वेयर प्लस 2BC प्लस सी स्क्वेयर आएगा, अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2AB को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, माइनस सी स्क्वेयर। ठीक है, तो अभी अगले स्टेप में क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस 2BC प्लस सी स्क्वायर जो है, इट इज बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर। देवन डोर प्लीज, देव क्लोज द डोर, डोर बंद कर, पैक। ए स्क्वेयर माइनस ऑफ बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वेयर, और ये आएगा ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। नाउ हियर यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वेयर, तो एक ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस ऑफ बी प्लस सी, अपॉन यहाँ एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस ऑफ सी, ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा a माइनस बी माइनस सी, क्योंकि माइनस साइन दोनों को अप्लाई होगा, अपॉन a प्लस बी माइनस सी।
दिस इज द आंसर. सो हियर वी हैव यूज्ड द सेकंड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी. यहाँ ए के जगह ए है और बी के जगह पूरा ए बी प्लस सी है. कंपेरिजन. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन थर्ड. ठीक है, ये दो ही आइडेंटिटी हमने यूज किए, लेकिन क्या है आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है. यहाँ पहले स्क्वायर वाला आइडेंटिटी दो जगह यूज हुआ और उसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज हुआ. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, क्लियर सर. बाकी के लोग? यस सर, क्लियर. हाँ ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. Here we are given that a raised to 1 by 3 plus b raised to 1 by 3 plus c raised to 1 by 3 is equal to 0. And we have to find out a plus b plus c bracket cube. This we have to find out. ऑफ कोर्स दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द होल चैप्टर, इसलिए इसको रिवाइज करना ही जरूरी है. प्लीज रिवाइज इट व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग इट. रिविजन करते वक्त इस क्वेश्चन को गो थ्रू करना बहुत जरूरी है. ठीक है, अभी देखो इसको हमें ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्यूब में कन्वर्ट करना है. सो ब्रैकेट क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें a प्लस बी प्लस सी क्रिएट करना पड़ेगा. a प्लस बी प्लस सी वो क्रिएट करना पड़ेगा पहले, फिर उसका हमें क्यूब लेना है. ठीक है, सबसे पहला स्टेप a रेस टू 1 बाई 3 प्लस b रेस टू 1 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ c रेस टू 1 बाई 3. मैंने क्या किया इन द बिगिनिंग, आई जस्ट शिफ्टेड c ऑन राइट हैंड साइड. देर इज पर्पज फॉर दिस स्टेप. ऐसे क्यों किया वो बताता हूँ. नाउ नेक्स्ट स्टेप, टेक क्यूब. तो पहला स्टेप किया हमने सी को शिफ्ट, दूसरे स्टेप में टेक क्यूब ऑन बोथ साइड. ए रेस टू 1/3 प्लस बी रेस टू 1/3 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी होल रेस टू 1/3 होल रेस टू 3 ब्रैकेट क्यूब ले रहे हैं. ठीक है, तो ये आप अभी देख सकते हैं कि 1/3 होल रेस टू 3 ये पावर 3 इंटू 1/3 आएगा और 3 कैंसिल होगा और यह आएगा माइनस सी. और माइनस सी का वैल्यू हमें मिला ए रेस टू 1/3 प्लस बी रेस टू 1/3 ब्रैकेट क्यूब. ठीक है, दैट्स ऑल. दिस सॉल्व्स द 90% पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस टेक क्यूब ऑन बोथ साइड. ये क्यूब राइट हैंड साइड में लिया तो माइनस सी मिला, और यहाँ क्यूब लेंगे तो ये क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करो. हमारा फॉर्मूला मैं कैपिटल में लिखता हूँ, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, सॉरी प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी. ये सेकंड फॉर्मेट लिखा हमने. ठीक है, अभी कैपिटल ए के जगह यहाँ पे ए रेस टू 1/3 डालना है और कैपिटल बी के जगह बी रेस टू 1/3 यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करने हैं फॉर्मूला.
सो कैपिटल ए क्यूब मतलब ए रेस टू वन बाई थ्री का क्यूब ए ही आएगा, कैपिटल बी क्यूब मतलब बी रेस टू वन बाई थ्री का क्यूब बी आएगा, प्लस थ्री ए बी थ्री रेस थ्री इंटू ए रेस टू वन बाई थ्री इंटू बी रेस टू वन बाई थ्री इंटू ए रेस टू वन बाई थ्री प्लस बी रेस टू वन बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी. यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी को लेफ्ट में लिया तो वो प्लस सी आएगा, और ये पूरा टर्म राइट में शिफ्ट करो, माइनस थ्री टाइम्स ए रेस टू वन बाई थ्री इंटू बी रेस टू वन बाई थ्री इन ब्रैकेट ए रेस टू वन बाई थ्री प्लस बी रेस टू वन बाई थ्री माइनस थ्री. अभी आप ए रेस टू वन बाई थ्री प्लस बी रेस टू वन बाई थ्री के जगह हम यहाँ राइट माइनस सी, ये इसको मैं समझो इक्वेशन वन बोल रहा हूँ. सो ए रेस टू वन बाई थ्री प्लस बी रेस टू वन बाई थ्री के जगह माइनस ऑफ सी रेस टू वन बाई थ्री हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. हाँ बोलो सर. राइट साइड में लेते हो सर, उसकी डिग्री तो मतलब डिग्री का साइन चेंज नहीं होता सर? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा टर्म है बेटा, ये जो है ना मैंने राउंड किया डॉटेड सर्कल में, ये पूरा का पूरा टर्म मैंने राइट में शिफ्ट किया तो वो माइनस थ्री होगा, लेफ्ट में वो पॉजिटिव है, राइट में शिफ्ट करने के बाद वो माइनस आएगा, ठीक है ना? और ये माइनस सी को लेफ्ट में लिया ओके सर, प्लस सी आएगा. अभी ये माइनस माइनस प्लस होगा, और ए रेस टू वन बाई थ्री बी रेस टू वन बाई थ्री सी रेस टू वन बाई थ्री. सो हियर वी हैव टेकन थर्ड स्टेप, टेकन क्यूब. क्यूब लेने के बाद हमें ये सब मिला. अभी बस हो गया, काम ही खत्म हो गया, एक ही स्टेप बच गया चौथा. हमें ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्यूब का वैल्यू पूछा गया. सो देयरफॉर नाउ द लास्ट स्टेप एंड द फोर्थ स्टेप इज टेक क्यूब ऑन बोथ साइड. वो स्टेप मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ. फोर्थ स्टेप, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड. यहाँ पे अगर हमने क्यूब लिया तो लेफ्ट में आएगा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, राइट में क्यूब लेंगे तो थ्री का क्यूब 27, और इन सब का क्यूब लेंगे तो वो ए बी सी मिलेगा, ठीक है? क्यूब लेने के बाद 1 by 3 पावर कैंसिल होगा. सो 27 टाइम्स ए बी सी. ये चार स्टेप्स आप याद रखो, दिस इज क्वेश्चन फॉर रिवीजन, वी हैव टू रिवाइज इट. ओके, आर देयर एनी अदर डाउट्स इन दिस चैप्टर नाउ? बाकी के कॉम्प्रिहेंशन ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, और अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. Shall we stop here? आपके लेक्चर्स होंगे, नहीं तो मैं तो परसेंटेज का बेसिक्स बता के आपको वर्कशीट आज होमवर्क भी दे सकता हूँ 5 मिनट में. ठीक है, विद दिस वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू ऑल वेरी मच. और बाद में अभी अगले चैप्टर्स बहुत फास्ट जाएंगे यहाँ, क्योंकि एक एक वर्कशीट है बस, और बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट्स है. सो प्लीज डोंट मिस दोस. सर प्लीज सेंड टुडेज लेक्चर ऑफ टुडेज लेक्चर ऑन वर्कशीट. सर पूरे चैप्टर की वीडियो अपलोड करके भेज दीजिए, पूरा फैक्टराइजेशन भेज देता हूँ. और रिवाइज करो. हाँ समृद्ध.